तो वहीं पर आपका टर्मिनेट हो जाएगा। तो प्री पीटीआर जो है इस लोकेशन को होल्ड करके रखा है और पीटीआर आपका इस लोकेशन को होल्ड करके रखा है, दैट इज राइट। उसके बाद देखिए आप स्टेप नंबर 9, प्री पीटीआर ने आपके जिस नोड को होल्ड करके रखा है उसका नेक्स्ट पार्ट देखिए। उसके नेक्स्ट पार्ट में अगर आप अपने न्यू नोड का एड्रेस अगर असाइन कर दें, यहां हमने वही किया देखिए, तो जस्ट आप प्री पीटीआर का जो नेक्स्ट है उसको आप न्यू नोड के एड्रेस के साथ असाइन करते हैं। कम टू द पॉइंट नंबर 10, हो गया। उसके बाद देखिए आपका जो न्यू नोड है दैट इज वी, और यह आपका प्री पीटीआर किस लोकेशन के पास था, हमारा ओ के पास था, दिस पॉइंट के पास। यहां आप देखिए 4, प्री पीटीआर इस लोकेशन को होल्ड करके रखा था 4, दिस नोड इसको हमने न्यू नोड का एड्रेस दे दिया दैट इज 5। और इस नोड का जो ये नेक्स्ट पार्ट है इसमें भी फ्री मेमोरी एक्सेस करके रखा है, इसको आप अपने जो नोड एक और बचा हुआ है दिस का, दिस वन, उसका एड्रेस आप दे दीजिए। तो जस्ट आप क्या कीजिएगा, आपका देखिए यहां लिख लेते हैं न्यू नोड का जो नेक्स्ट है आप उसको पीटीआर से ऐसे कर, पीटीआर ने इस नोड का एड्रेस रखा हुआ है आप इसको इसको दे दीजिए, मतलब दिस। सिक्स क्लियर हुआ। उसके बाद स्टेप नंबर 11 एग्जिट, और यहां आप लिखिएगा गो टू स्टेप 11। स्टेप नंबर 11 यहां लिखी दे रहा हूं आपके लिए, चलिए एग्जिट, ठीक है। तो मैंने यहां आपको थोड़ा जल्दी पढ़ा दिया, ठीक है, आपको समझ में आना चाहिए। मैं फिर से आपके लिए एक बार रिपीट कर दे रहा हूं। सबसे पहले ये एक आपका एग्जाम्पल था आई एल ओ ई, आप एक पर्टिकुलर कैरेक्टर ओ ओ के बाद न्यू नोड को इंसर्ट करना चाहते थे, क्लियर है। तो इसके लिए हमने क्या किया, सबसे पहले आपका एक न्यू नोड लिया, उसको मेमोरी एलोकेट किया और उसके डेटा पार्ट को हमने इनिशियलाइज किया उस वैल्यू से जो आप उस न्यू नोड में रखना चाहते थे, ठीक है। उसके बाद दो पॉइंटर वेरिएबल दिया गया, प्री पीटीआर और पीटीआर, और उन दोनों को इस तरह से मूव किया गया ताकि आपका जो प्री पीटीआर का जो डेटा पार्ट है जैसे ही उस पर्टिकुलर कैरेक्टर को फाइंड आउट करे मूवमेंट जो है बंद हो जाए, दैट इज दिस पार्ट वन। प्री पीटीआर डेटा नॉट इक्वल टू कैरेक्टर, तब तक तो मूव करेगा, जैसे ही कैरेक्टर मिलता है वह स्टॉप हो जाएगा। तो इसको हमने मूव आउट किया, मूव आउट करने के बाद क्या देखा कि प्री पीटीआर इस पॉइंट पे डेटा को पाया और पीटीआर आपका इस पॉइंट पे, ठीक है। तो हमने क्या किया, जस्ट इस पार्ट में आके आपका जो न्यू नोड था दैट इज प्री पीटीआर नेक्स्ट, तो प्री पीटीआर नेक्स्ट तो ये है, इसको असाइन कर दिया आपके न्यू नोड के साथ। देन
आपका न्यू नोड का जो नेक्स्ट पार्ट था उसको पीटीआर के साथ असाइन कर दिया। तो इसका जो है जस्ट इस तरह, तो यह न्यू नोड आपका क्या हुआ, उस पर्टिकुलर लोकेशन पे स्टोर हो गया। ठीक है, चलिए इसको आप लिख लीजिए। ओके, चलिए अपना नेक्स्ट देखते हैं। आप देखिए, इंसर्टिंग अ न्यू नोड बिफोर अ गिवन वैल्यू। अभी तक हमने आफ्टर दिया था, अब एक वैल्यू दिया हुआ है उसके ठीक बिफोर करेंगे। ठीक है, यही करते, इसी एग्जांपल को रिपीट आउट किया जाए। ठीक है, हल्का सा मॉडिफिकेशन। मॉडिफाई करते रहे, अभी तक आपने इस नोड के बाद न्यू को इंसर्ट किया था। मान लीजिए इस नोड से ठीक हम पहले इंसर्ट करना चाहते हैं, मान लीजिए यहाँ पर इंसर्ट करना चाहते हैं। ठीक है, एल्गोरिथम जस्ट ठीक है। देखिए, आप इस नोड के ठीक पहले इंसर्ट करना चाहते हैं, इसका एल्गोरिथम जो होगा सेम टू सेम यही होगा, जस्ट खाली आपका जो वाइल्ड लूप का थोड़ा सा मॉडिफिकेशन किया जाएगा। ठीक है, देखिए सेम टू सेम एल्गोरिथम, नो चेंज आउट इनटू द होल। इसका मैं ट्रैक डाउन आपको करा दे रहा हूं, आपको ये समझ में आ जाना चाहिए। देखिए यहीं से स्टार्ट करते हैं, प्री पीटीआर पीटीआर। अभी आपका किस लोकेशन को होल्ड करके रखा है, स्टार्ट को। This one, ठीक है। PTR data, PTR data, that is I, not equal to the character. What is character you wanted to find?
ओ देन पीटीआर थ्री पीटीआर 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 एंड पीटीआर नेक्स्ट पीटीआर आपका यहाँ से हट जाएगा और पीटीआर आपके कहाँ आ गया दिस पॉइंट के पास अगेन आपका वाइल्ड लूप एक बार ऑर्नमेंट होगा पीटीआर डेटा व्हाट आई नॉट इक्वल टू द कैरेक्टर तो आपका फिर से एक बार मूवमेंट होगा पीटीआर प्री पीटीआर तो पीटीआर का जो एड्रेस था ये प्री पीटीआर यहां से हट जाएगा और किस नोट को रखेगा इस नोट को प्री पीटीआर ठीक अगेन अ लूप इज कंटिन्यू पीटीआर डेटा सॉरी पीटीआर पीटीआर ये तो हो गया इसको हमने ये लिख किया ना पीटीआर नेक्स्ट पीटीआर तो पीटीआर आपका यहाँ था यहाँ से हट के इस लोकेशन पे आ गया अगेन अ व्हाइल लूप इज टर्मिनेट कंटिन्यू पीटीआर डेटा व्हाट इट विल बी ओ ओ नॉट इक्वल टू कैरेक्टर फॉल्स ओके ओ इज इक्वल टू द कैरेक्टर ओ जो आप फाइंड करना चाहते थे यह लूप क्या है आपका टर्मिनेट हो जाएगा और उसके बाद प्री पीटीआर नेक्स्ट प्री पीटीआर ने फिलहाल इस पॉइंट को होल्ड करके रखा है तो इसका जो नेक्स्ट पार्ट है दिस वन इसको हम क्या कर रहे हैं अपने न्यू नोड का एड्रेस असाइन कर रहे हैं तो जस्ट ये यहां से हट जाएगा और ये यहां से आके आपके न्यू नोड का वैल्यू को रखेगा उसके बाद आप सिंपली आपका न्यू नोड का जो नेक्स्ट है उसको आप पीटीआर के साथ इनिशियलाइज कर दीजिए ठीक है सिंपल है दोनों लगभग एक ही तरह का था जस्ट थोड़ा सा मॉडिफाइड करना पड़ा तो इस तरह से आप इसको कर सकते हैं इसके बाद हम देखेंगे आपका डिलीट ऑपरेशन आप इसको कॉपी कर लीजिए तब तक